के साथ बहुत लोग काम करते हैं, जिसका मतलब वो पॉलिटिकल हो, पॉलिटिशियन हो गए क्या? प्रशांत किशोर की बात पर हमारी वो है क्या, किस हैसियत के जो हम कमेंट करेंगे? हम लोगों का तो वादा था कि अत्यंत पिछड़ों को आरक्षण को बिना दिए हम लोग चुनाव नहीं कर पाए। लड़ते हैं हम लोग तो डकैत की यहाँ भी वोट मांगने जाते हैं और गरीब की यहाँ भी वोट मांगने जाते हैं, वोटर है अगर वो, इससे व्यक्तिगत संबंध क्या हो गया? नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स, मैं आपके साथ प्रेमराज। पिछले दिनों जब गब्बू सिंह पर छापेमारी हुई थी तो बीजेपी के जो लोग थे उनका आरोप था कि जो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ललन सिंह, उनके वो करीबी हैं, काफ़ी करीबी माने जाते हैं। तो इस पे जो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ललन सिंह ने क्या कुछ कहा था वो भी आप बयान सुना था, पर आज बिहार सरकार के मंत्री बिजेंद्र यादव ने भी इस पे अपना प्रतिक्रिया दिया। उनका कहना है कि हमारे यहाँ सभी लोग हैं और सभी लोगों से बात होती है, जब चुनाव आता है तो हम लोग चोर के यहाँ भी वोट मांगने जाते हैं, डकैत के यहाँ भी वोट मांगने जाते हैं और जो इंसान है उनके यहाँ भी वोट मांगे जाते हैं। आपको हमारे से भी ताल्लुका है और सभी लोगों से ताल्लुका है, इसका ये मतलब नहीं हो सकता। पहले हम आपको वो बयान सुनवाते हैं कि क्या कुछ कर रहे हैं बिहार सरकार के मंत्री बिजेंद्र यादव। हम लोगों के साथ बहुत लोग काम करते हैं, जिसका मतलब वो पॉलिटिशियन हो गए क्या? प्रशांत किशोर की बात पर हमारी वो है क्या, किस हैसियत के जो हम कमेंट करें उस पर? कौन क्या बोल रहा है, हर बोली पर कोई कमेंट नहीं, कोई इम्पोर्टेंट लोग बोले तो उस पर उससे संबंधित प्रश्न पूछिए। सर, अति पिछड़ा आयोग का गठन कर दिया गया राज्य सरकार द्वारा, बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद में सम्राट चौधरी हैं, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐसे व्यक्ति को बनाया जो बीमार है, वो कैसे देख पाएंगे कर पाएंगे? कौन लोग बीमार हैं? नवीन आर्य जी का अभी बाईपास सर्जरी हुई है, उन्होंने आरोप लगाया। कोई बीमार नहीं है, गलत सूचना है। उनकी मांग है कि कोई रिटायर्ड जज हो उनको बनाया जाए, कोई रिटायर्ड जज हो। पार्टी के लोग रहेंगे तो उनकी राय है अपनी, सरकार बना दी। बीजेपी का ये कहना है कि अति पिछड़ा आयोग बना करके सरकार बैकफुट पड़ा है, जो बीजेपी कह रही थी वही वो कर रहा है। बीजेपी के लोग ज्यादा विद्वान हैं, संवैधानिक राइटों को समझते रहे, संविधान के प्रावधान को समझते नहीं है। अरे मुंगेरी लाल आयोग के गठन के मुताबिक दो बार चुनाव हो चुका है पिछड़ों का, इस बार 10 के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुरूप हाईकोर्ट ने एक निर्णय दिया कि ठीक है सरकार आयोग गठन करेगी और 10-12 दिन के भीतर में उसका रिपोर्ट वोट होकर के आगे चुनाव हो, इसमें क्या कठिनाई है? न्यायालय भी एक संवैधानिक संस्था, विधायिका भी एक न्यायालय की संवैधानिक संस्था, कार्यपालिका भी, तो तीनों के बीच में समन्वय होते रहता है, इसमें बैकफुट पाने का क्या प्रश्न होता है? हम लोगों का तो वादा था कि अत्यंत पिछड़ों को आरक्षण को बिना दिए हम लोग चुनाव नहीं कर पाते, हम लोग ने अपने वादा पर निर्भर कर निभा रहे हैं। कहा जा रहा है जो रेड चला है गब्बू सिंह के आवास पर, उसमें कई नेताओं का भी नाम आया है, कई IAS अधिकारियों का नाम आया, उनके परिवार के लोगों का नाम आया है, जो ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट करने के उनके पास पैसा इन्वेस्ट करते हैं। नाम तो उसका कभी आउट हुआ नहीं है, कौन कौन लोग हैं क्या है, तो ये दबाव दिया जा रहा है क्योंकि ललन सिंह से उनके संबंध बहुत पुराने रहे हैं, लोग कहते हैं, इसलिए आप लोग पर दबाव देने के लिए बीजेपी ये करवा रही है। आप लोगों से भी हम लोग का संबंध रहा, हमेशा बातचीत होती है, तो आप पर कोई रेड होगा या हम पर कोई रेड होगा तो आप फंसिएगा, संबंध इसमें किसका, कि पॉलिटिकल लोग का सबके साथ संबंध रहता है। जब वोट लड़ते हैं हम लोग तो डकैत की यहाँ भी वोट मांगने जाते हैं और गरीब की यहाँ भी वोट मांगने जाते हैं, वोटर है अगर वो, इससे व्यक्तिगत संबंध क्या हो गया? कोई आप लोगों को घेरने की साजिश की जा रही है, बीजेपी लगातार आप लोग विपक्ष में है, वो तो घेरने की साजिश करेगी तो क्या मतलब, हम लोग डर जाएंगे क्या? वो अपना काम करे, हम अपना काम करें, अपने तरीके से इस्तेमाल करिए सर CBI ED का, कहीं भी अपने तरीके से, जो डरेगा वो ना, जो डरा वो मरा, जो लड़ेगा वो राजनीति में सर्वाइव करेगा, यही फार्मूला है। दिवाली छठ में निश्चित रूप से बिजली में कोई कटौती नहीं होगी, पूर्णतः व्यवस्था रहेगी। तो जैसा कि सुना आपने, साफ तौर पर उनका कहना है कि हम लोग सभी लोगों से मिलते हैं और मिलने का मतलब ये नहीं है, आपको बताते चले कि जब CBI और ED की बात होता है तो बीजेपी वाले पर आरोप लगती है कि बीजेपी वाले जो लोग हैं वो संवैधानिक पदों का उल्लंघन करते हैं और वो अपने मनमानी करके जहाँ मन होता है वहाँ छापेमारी करवाते हैं। पर जिस तरीके से गब्बू सिंह के यहाँ छापेमारी हुई थी उसके बाद जो बीजेपी के जो लोग थे उनका कहना था कि जो जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष है ललन सिंह, उनका काफ़ी उनसे करीबी है और
उनके जो लोग हैं उनका ब्लैक मनी को व्हाइट मनी भी करने का काम करते थे। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे बिहार इंसॉर्ट के साथ। बिहार इंसॉर्ट को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।